सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का भर भर के कमेंट आते हैं, सर एक का पूरा वीडियो बनाई जिसमें हम जेरॉक्स कैसे निकाले, A4 से लेके A5, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सभी का एक ही सर आप वीडियो बनाई। तो आप सभी का रिक्वेस्ट और कमेंट देख के हमने एक ही वीडियो बनाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं A4 जेरॉक्स कैसे निकलते हैं। तो ये अपना A4 का पेपर है, उसको अपन ग्लास की ऐसी ये और आपको रखना है वैसा और स्टार्ट करना है जेरॉक्स। तो A4 का है जेरॉक्स आ गया। अगर यही पेपर होगा आपको आगे पीछे निकालना है तो आगे पीछे निकालना है तो पेपर तो अपन रख ही दिए हैं, तो आपको जाना है फंक्शन मेन्यू में। आपको जाना है फंक्शन मेन्यू में और इसमें आपको जाना है तीसरा नंबर ऑप्शन में। तीसरा नंबर ऑप्शन में जाके आपको 1 to 2 सेट करना है और फिर आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको यही पेपर को आपको घुमा देना है। अगर ये साइड का आपको स्कैन कर लिया है तो ऐसा वही पेपर आपको घुमा देना है और वैसे ही रखना है और वापस आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको स्कैन इन करना है। आप देख रहे हैं कि 1 to 2 सेट हो, आगे पीछे हो गया और वही जगह पर अगर आपको 10-15-20 पेपर है निकालने की बात करें तो ये सिंगल के लिए ये आपने सब पेपर निकाल दिया और ऊपर रख दिया। ऊपर रखते वक्त ही आपको डिस्प्ले पे कुछ ऐसा शो होगा कि जो आपने ऊपर पेपर लगा है ADF में। फिर आप उसको करते हैं स्टार्ट, तो एक एक पेपर उठाना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से। वही जगह पे अगर आपको 2 side to 2 side निकालने हैं, अपने को ये लग रहा है कि उसको आगे पीछे करना है, तो ये अपना पेपर रखा और फंक्शन मेन्यू में जाना है और तीसरा नंबर ऑप्शन डुप्लेक्स, उसमें आपको 2 to 2 side करना है। अगर आपको सेम टू सेम चाहिए तो 2 side to 2 side, जो दोनों तरफ छपा हुआ रहेगा तो दोनों साइड से आएगा वो। एक ही बार में ADF आपको दोनों साइड स्कैन करेगा। जो आगे और पीछे की तरफ दोनों साइड उसमें प्रिंट हो गया है, जो छप के आएगी जेरॉक्स। आप देख रहे हैं 2 side to 2 side हो गया। अगर कस्टमर बोलता है कि सर अगर मेरे पास दोनों साइड है उसको 1 side करके चाहिए, तो इसके लिए और आपको डॉक्यूमेंट रखा फंक्शन मेन्यू में जाना है और वापस जाना है डुप्लेक्स, उसमें आपको 2 side to 1 side जो दोनों तरफ रहेगा उसको सिंगल साइड कैसा करना है। तो 2 side to 1 side किया और ओके किया और स्टार्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक स्कैन होना स्टार्ट करेगा। एक ही बार में वो स्कैन हो जाता है दोनों तरफ और वो जो जेरॉक्स है दोनों सेपरेट आ गई। अभी बात करते हैं अपन लीगल की। तो सबसे पहले ये पेपर लगाया लीगल का। पेपर लगाते वक्त ही आपको डिस्प्ले पे कुछ ऐसा शो करेगा, तो आपको चेंज करना है, MP कैसेट करना है, पेपर साइज करना है, उसमें आपको स्क्रॉल डाउन नीचे की ओर जाना है और यहाँ पे आपको करना है लीगल, जो आपको 10 नंबर पे लीगल मिलेगा और ओके करना है। फिर आपको एग्जिट करना है और पेपर सिलेक्ट करके आपको लीगल पेपर करना है। अगर कोई बोलेगा कि आपको मेरे को A4 का पेपर है उसको लीगल में चाहिए, तो अपने को सबसे पहले पेपर रखा और यहाँ पे जूमिंग जो साइज है वो आपको करना है
जूमिंग एंट्री में जाके आपको करना है 102 और फिर आपको ओके करके स्टार्ट दबाएंगे तो थोड़ा जूम होके आएगा, जो A4 से लीगल होके आएगा, A4 से लीगल होके आगे बढ़ा। अगर वही जगह पर अगर कोई बोले कि मेरे को लीगल में जरूरत चाहिए तो लीगल के लिए तो अपने को पेपर लगा, ये अपने पेपर लगा है मशीन में, तुरंत आप ओके करेंगे और यहाँ पे पेपर आ गया। लीगल जेरोक्स निकालने के लिए मेन चीज़ है आपको ओरिजिनल साइज देना ही पड़ता है मशीन में, तो इसके लिए आपको जाना है फंक्शन मेन्यू में और इसमें आप नीचे की ओर जाएंगे तो 6 नंबर पे आपको ओरिजिनल पेपर का ऑप्शन मिलेगा, 6 नंबर पे जो ओरिजिनल साइज, उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है लीगल। लीगल करके आप ओके करेंगे तो अपना देख रहे हैं यहाँ पे लीगल और यहाँ पे भी लीगल हो गया है, तो आप स्टार्ट करेंगे तो लीगल का पूरा कॉपी आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं लीगल का जेरोक्स आ गया, A4 से लीगल। अगर वही बात करते अभी बात करते हैं लीगल का आगे पीछे जेरोक्स कैसे निकले, सबसे पहले ये पेपर रखा, क्योंकि वन साइड लिखा हुआ इसके लिए हाथ से लिख दिया गया जेरोक्स। अगर बात करते हैं 1-2 साइड कैसे निकालने का लीगल, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहे कि ओरिजिनल पेपर भी लीगल है और पेपर भी लीगल है, ओरिजिनल साइड भी लीगल ही है, आपको 1-2 साइड करना है। तो ये अपना नॉर्मल सेटिंग जो रहेगा रीसेट, जैसे आप उन पेपर डालेंगे तो उसको साइज मांगते हैं, आप ओके करेंगे और जो अपना लीगल का रहेगा वो लीगल ही रहेगा और आपको ओरिजिनल पेपर करना है। जो 6 नंबर ऑप्शन में आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा उसको आपने करना है लीगल। लीगल करेंगे तो भी चलता है, अगर फोलियो करेंगे तो भी चलता है, दोनों सेम साइज ही होता है। आप स्टार्ट अभी अपने आगे पीछे करना है तो आप 3 नंबर ऑप्शन में जाएंगे और आप 1-2 साइड करेंगे, 1-2 साइड करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे जो फ्रंट साइड है वो स्कैन होना स्टार्ट हो गया है और वही जगह पे आपको पेपर वैसा घुमाना है। पेपर घुमाने के बाद वापस आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखेगा कि 2 पेज स्कैन हो गया है, उसके बाद आप स्कैन एंड करेंगे तो कॉपी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो दोनों तरफ का जेरोक्स होके आ गया, ये फ्रंट साइड हो गया, वही जगह पे अगर आपको बैक टू बैक पेपर है, अगर 2 साइड ऊपर से जेरोक्स निकाल जिसमें अगर किसी का एग्रीमेंट रहेगा सेल परचेस का एग्रीमेंट का, तो पूरा बंच किया रहता है कि दोनों साइड गवर्नमेंट का स्टैंप पीछे की ओर लगा हुआ रहता है, तो कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को पूरा आगे पीछे चाहिए, तो आप एक एक पेपर नीचे से करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाता है। इसके लिए मशीन में क्या, अगर दोनों साइड है पेपर रख दिया पिन निकल के और आप जाएंगे फंक्शन मेन्यू में और 3 नंबर ऑप्शन है डुप्लेक्स, उसको ओके करेंगे और नीचे आप जाएंगे तो 2-2 साइड ओके करेंगे तो जो है ओरिजिनल है वैसे ही आपको जेरोक्स में वैसे सेम मिले, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड एक साथ स्कैन हो जाएगा और तुरंत वो जेरोक्स आ जाएगा। फ्रंट साइड हुआ, अभी बैक गया और वापस आ गया, तो दोनों तरफ है वो आ गया। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे 2-1 साइड चाहिए, सारे जो आगे पीछे प्रिंट किया हुआ उसकी जगह पे मेरे को सिंगल सिंगल चाहिए, उसके लिए भी ऑप्शन है। ये पेपर रखा और वापस गए फंक्शन मेन्यू में और 3 नंबर ऑप्शन है डुप्लेक्स, उसमें जाने के बाद 2-1 साइड करना है, 2 साइड अगर छपा हुआ है और उसको एक साइड करना है तो 2-1 साइड ओके किया और स्टार्ट किया। जो
दोनों तरफ से एक साथ स्कैन होगा, अभी दोनों तरफ से सिंगल सिंगल साइड हो गया, ये आप देख रहे हैं जो सिंगल सिंगल साइड हो गया। अगर हो जाएगा मेरी, अगर किसी मेरे को जो लीगल पेपर उसको मेरे को ए फॉर्म करके चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप ऊपर से भी कर सकते हैं और नीचे भी ग्लास से भी कर सकते हैं। पेपर रखा और यहाँ पे आप पेपर कर देंगे ए फॉर्म, सेटिंग किया रीसेट, यहाँ पे पेपर कर दिया ए फोर का, और ओरिजिनल साइज अपने को लीगल ही है तो उसको अपने ए फोर करना है, और यहाँ पे आपको जूमिंग एंट्री करना है 86, जूमिंग 86 करेंगे तो क्या कट होएगा नहीं, तो उसके लिए 86 परफेक्ट साइज है। और स्टार्ट किया, स्कैन हो गया है, अभी आपको जरूरत में दिखा दूँ। जो ए फोर में कन्वर्ट हो गया, आप देख रहे जो ये ओरिजिनल साइज है उसको ए फोर हो गया। अगर आपको मेन चीज क्या, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, अगर ओरिजिनल साइज है 86 करना है, अगर ए फोर से लीगल करना है तो आपको 102% करना है, अगर ये लीगल से एफोर करना है तो आपको 86% करना है। अगर अभी बात करते हैं अपन डार्क लाइट की, और अगर बात करते हैं डार्क लाइट की ओर, तो बाकी सारे फंक्शन, मेन चीज अपना आईडी कार्ड का छूट गया, ये अपना आधार कार्ड का भी जेरोक्स निकाल दे, टू साइड टू वन साइड, उसके लिए तो अपना मशीन में डिफॉल्ट में सेव किया हुआ है सारे मशीन में। तो सबसे पहले आपको जाना है प्रोग्राम में, प्रोग्राम में जाके ऑटोमेटिक जो साइज ले लिया है कि एफआई है ओरिजिनल पेपर A5 और पेपर साइज A4, ये अपना आईडी रखा, स्टार्ट किया, वन साइड स्कैन हो गया, वापस वही जगह पे आपको पेपर घुमा देने का है, जो अपना आईडी रहेगा वही जगह पे आप घुमा देंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। फिर आप स्कैन एंड करेंगे तो आईडी कार्ड ये दोनों तरफ रहता है, वो सिंगल साइज आ जाएगा, आगे की ओर दोनों आ जाएगा आईडी, ये आप देख रहे हैं आईडी जो ऊपर नीचे दोनों एक ही पेज पे आ गया। किसी का बड़ा आधार कार्ड रहेगा तो भी आप इसमें कर सकते हैं। बड़ा आधार कार्ड रहेगा तो आपको वैसा रखना है, उसमें भी वैसे ही आप स्टार्ट किया, वही जगह पे आपको घुमा देने का है, वापस स्टार्ट करना है, वापस स्कैन एंड करेंगे तो अपना जेरोक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपना आधार कार्ड आ गया, एक ही पेज पे दोनों आ गए हैं। अभी बात करते हैं डार्क लाइट की ओर, तो ये आप फंक्शन मेन्यू में गए, बात करते अगर सेटिंग है तो ये फंक्शन मेन्यू में गए, बात करते हैं मशीन की डार्क लाइट कैसा ओरिजिनल पेपर की, तो मेन चीजें आपको याद रखना है, फंक्शन मेन्यू में जाना है, और जो पहले वाला है जो पेपर सिलेक्शन का है, अगर आपको एक नंबर ट्रेस यूज करना है या दो नंबर का, तो जो इसके लिए ऑप्शन, अगर A4 का जेरोक्स निकाल तो आप ओके करेंगे तो A4 से जेरोक्स आएगी। अगर बात करते हैं लीगल, जो तीन नंबर देखे MP ट्रे, तो जो अपना बाईपास है, जो है बाईपास में पेपर डालते हैं तो वहाँ से प्रिंट उठाता है, इसके लिए ऑप्शन हो गया। और बाकी जो तीन नंबर ऑप्शन है, जो है अपना डुप्लेक्स का, सेपरेट जीरोक्स निकालना है, 1-1 साइड, तो इसके लिए 1-1 है। अगर आपको 1-2 साइड, अगर आगे पीछे जेरोक्स है जो आपको ग्लास से निकालेंगे, तो इसके लिए आपको 1-2 साइड यूज करना है, और 2-1 साइड अगर दोनों तरफ छपा हुआ है तो उसको आप एक तरफ कैसा कर सकते हैं, उसके लिए 2-1 साइड ऑप्शन है। अगर बात करते हैं 2-2 साइड, जो 2-2 साइड केवल आप ऊपर से जो मशीन का ADF है, आप ADF से यूज करने के लिए आप 2-2 साइड यूज करेंगे, केवल ऊपर से।
अगर 2-2, 2-2-1 सेट करने के लिए भी आपको ADF से ही आप यूज कर पाएंगे। और बात करते हैं वापस, चार नंबर ऑप्शन की ओर, तो ये अपना जूमिंग है। अगर आपको जूम छोटा करना है बड़ा करने के लिए, उसमें आपको जूम एंट्री करना है। अगर आपको 120% बढ़ाना है तो भी बढ़ा सकते हैं, 25 से लेके आप 400 तक जूमिंग बढ़ा सकते हैं। मिनिमम आप 25 तक जूमिंग कर सकते हैं जो छोटा, और बड़ा आप 400 तक आप बड़े उसके साइज जूमिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये चार नंबर ऑप्शन पे जूमिंग की एंट्री मिलती है। बात करते हैं पांचवा नंबर की ओर, जो अपना आईडी कार्ड है उसको 2-2-1 साइड, अगर एक ही पेपर है उसको आगे की ओर लेना है तो 2-2-2-1 साइड है। जो अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए वो वाला ऑप्शन चालू लगता है। अगर 4-in-1 की बात करें तो एक ही 4 बार स्कैन होगा और एक ही जगह पे एक ही आगे की ओर प्रिंट आएगी, जो 4-in-1 जैसा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो फिर 4 बार स्कैन होगा, क्योंकि फ्रंट साइड 1 बार स्कैन होगी फिर बैक साइड होगी, तो उसके लिए 4-in-1 का यूज कर सकते हैं आप। बात करते हैं 6 नंबर, जो आप ओरिजिनल पेपर क्या स्कैनिंग करने के लिए, अगर आईडी कार्ड आप यूज करते होंगे तो आपको FI सिलेक्ट करना होगा। बाकी नॉर्मल तो जो A4 जेरोक्स निकालने के लिए A4 तो डिफॉल्ट कंपनी ने किया है। मेन चीज है, अगर आपको ओरिजिनल साइज की जो आप लीगल जेरोक्स निकालेंगे उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर ये सिलेक्शन नहीं करेंगे तो पेपर लीगल में कट हो जाता है, इसके लिए आपको ओरिजिनल साइज देना जरूरी है। उसके लिए आपको 6 नंबर में जाके आप फोलियो भी दे सकते हैं और 9 नंबर में जाके आप लीगल भी ओके कर सकते हैं। बात होगी ओरिजिनल पेपर की होगी, अभी बात करते हैं डार्क लाइट की ओर। दस नंबर में जो है डार्क लाइट का, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा काला रहेगा तो आप 1-3% आप लाइट कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा लाइट है जो डल है तो उसको आप डार्क करना चाहते हैं तो आप +1 का इस्तेमाल करेंगे, +1, +2, +3, जो आपका जो लाइट डॉक्यूमेंट है उसको डार्क करने का ऑप्शन है। अभी अगला ऑप्शन है अपन करते हैं जो ओरिजिनल इमेज, अगर आप जेरोक्स नहीं कर रहे क्या फोटो है क्या, तो इसके लिए आप फोटो करेंगे तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी मिलेगा, और टेक्स्ट यूज कर रहे तो टेक्स्ट मैटर के लिए टेक्स्ट, ऑटो डिफॉल्ट जो रहता है वो टेक्स्ट और फोटो दोनों डिफॉल्ट सेव रहता है। और अपना अगला ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप अगर कुछ जेरोक्स कंटिन्यू चालू है, अगर आप सोच रहे कि अगर उसका जो बीच में आ रहे हैं उसको अपने एक साथ कंटिन्यू अपने वो चाहिए, तो इसके लिए आप कंटिन्यू आप स्कैन कर ऑन कर दीजिए। जितना भी आप स्कैन करते जाएंगे आप कंटिन्यू आपका स्कैन होते जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर आप जब स्कैन एंड करेंगे तो सारा एक साथ प्रिंट आ जाएगा। बाय चांस मैं अभी जेरोक्स निकालो तो मैं सारा स्कैन कर दिया और जो दूसरे जो कंप्यूटर से प्रिंट दे रहे हैं तो क्या दोनों का मिक्स हो जाता है। उसके लिए आप कंटिन्यू स्कैन ऑन करके रखेंगे तो आप स्टार्ट करते जाए कंटिन्यू स्कैन करते जाएंगे, फिर आप एंड करेंगे तो आपका एक साथ बंद पूरा जेरोक्स आएगा, तब तक तो जो दूसरा बंदा रहेगा वो प्रिंट से उसका काम कर सकता है, ताकि पेपर एक दूसरे का मिक्स ना हो, इसके लिए आप कंटिन्यू स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन की ओर पे बात करें तो चौदह नंबर पे जो है प्रिंट ओवरले, अगर किसी ने 50 पेज की आपने कंटिन्यू स्कैन करके रखा, अगर दूसरे ने किसी ने अगर प्रिंट दे दिया 200 पेज की, अगर आपको बीच में चाहिए कि 10 प्रिंट है मेरे को चाहिए, तो इसके लिए आप 14 नंबर ऑप्शन है प्रिंट ओवरले, आप उसमें जाके आप अगर ऑन करेंगे तो उसका जो आ रहा है वो जगह पे स्टॉप हो जाएगा और अपना स्टार्ट आओ अपना जो जेरोक्स निकालेंगे वो अपना आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप जब उसको रिसेट करेंगे तो वापस जो उसका पुराना प्रिंट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर बाकी कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, अगर रिपेयरिंग करना है कुछ प्रॉब्लम आ रहे किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को देख सकते हैं प्रिंटर रिपेयरिंग का, कौन सा पेपर सिलेक्ट करने का, बहुत सारे कोर्सेरा 2040 का हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप हमारे एक बार वीडियो सारे देख सकते हैं, जिसमें आप वो कार्ट्रिज रिफिल कर सकते हैं, उसका ड्रम कैसा चेंज कर सकते हैं, उसका ब्लेड कैसा चेंज कर सकते हैं, उसका DP सर्विस कैसा किया जाता है,
उसका पैनल के शरीर पर हम सारा वीडियो बना के रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।